समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ? ओए कैमरा चालू रखना, बंद मत करना, ठीक है? और तू इनको लेकर जा इज्जत के सम्मान के साथ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज सुजीत पांडे। और दोस्तों, जैसे कि इनका नाम रोहन है और इनकी ये बहन है, और इनके साथ एक बहुत ही दुखद घटना हुआ है। इनके जो हस्बैंड थे उनका डेथ हो गया है और इनका एक छोटा सा बेबी है। और अब इनके साथ ये हो रहा है कि इनके जो मतलब ससुराल वाले हैं, मतलब वो इनके साथ काफ़ी बदतमीजी से बात कर रहे हैं। और इनका एक देवर है जो कि छोटा है ना आपसे? हाँ, मेरे से छोटा है। तो वो काफ़ी बदतमीजी करता है और वो इनको मतलब घर से बाहर कर दिया, और सारी बात ये खुद बता देंगे आप। मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद इनके मुझे सुने। तो आप बताओ क्या क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे 2 साल हो गए मेरी शादी को। okay. मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और मेरा एक छोटा सा बेबी भी है। okay. तो मेरा देवर बहुत ही गंदा किस्म का इंसान है। अच्छा। उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, जो भी घर घुर था सब कुछ हड़प लिया उसने, पैसा पूसा जो भी था सब उसने, और जहाँ तक कि मेरा बच्चा भी उसी ने उन्होंने रख लिया और मुझे मेरे मायके भेज दिया वापस, मुझे घर से बाहर कर दिया उन्होंने। अब बताओ मैं क्या कर सकती हूँ? वापस नहीं गई घर? मैं वापस गई भी तो उसने मुझे फिर धक्के मार के बाहर निकाल दिया। तो कितने दिन पहले की बात है ये? अभी कुछ ही 4-5 दिन पहले की बात है। तो आप भैया कुछ नहीं किए? आपको तो जाकर बात करना चाहिए था। मैं गया था उनके पास गया था। okay. वो इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं, ठीक से बात ही नहीं कर रहे, भगा दिया कि अपने साथ ही लेके जाओ। हमने बहुत कोशिश करी बात करने की लेकिन वो करने को तैयार नहीं है बात। ठीक है, आप काम करो, नंबर आप कॉल करो उसके पास, ठीक है? ठीक है, देवर के पास आप उसे बुलाओ यहाँ पे, वही ना सबसे ज़्यादा मतलब हीरोबाजी कर रहा है अपने घर, बहुत ज़्यादा ही करता है। तो ठीक है, आप कॉल करो उसके पास और आप उसे बुलाओ यहाँ पे, ठीक है? ठीक है, ठीक है। हेलो, हेलो, आप यहाँ पर आओ, मेरा भैया बुला रहा है आपको, आपसे बात करनी है उसको। क्या बात करनी है? बात करनी है, आओ तो पहले वो बात करेगा ना अपने हिसाब से आपसे। क्या बात करनी है? नहीं, फोन पे कर ले। फोन पे नहीं, आप यहाँ पर आ जाओ, हमें यहाँ मिल जाओ, यहीं मैं आया हुआ है, मेरे पास घर के पास में जो पार्क है वहाँ पर आ जाओ। चल ठीक है, आ रहा हूँ, आधे घंटा लगेगा मेरे को। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो एक काम करो भैया, आप ना इसे अच्छी तरह छुपा लो, ठीक है? हुआ था, कैमरा लगा हुआ, देखो सारी बात उसका रिकॉर्ड करना है यहाँ पे, ठीक है? डरना बिल्कुल नहीं है, हम दोनों आएंगे आपकी हेल्प करेंगे पूरी, ठीक है? और सारी बात रिकॉर्ड करो, आप बुला लो उसे, बाकी हम लोग देख लेंगे, ठीक है? A few moments later. हाँ बोलो, क्या बोलना है आपको? मेरे भाई से बात करो। भाई क्यों कर रहा है मेरी बहन के साथ ऐसा? हम इनको रखने ही नहीं है, हमने इनसे बोल दिया था कि इनके खाली बच्चे को रखेंगे, हमारे को इनसे कोई मतलब ही नहीं है। मेरी बहन का क्या होगा? अब वो खुद जाने, हमारे को कुछ मतलब नहीं है इनसे। गलत बात है तुम्हारी, रखा है ना बहुत ज्यादा, तो हमारे को इनसे कुछ मतलब नहीं है, हमारी फैमिली की रिस्पेक्ट है, हम इसके लिए इनको कुछ नहीं रख नहीं सकते यहाँ पर हम। भाई रखना पड़ेगा भाई, शादी हुई है। शादी हुई थी वो खाली जब तक इनका पति था तब तक था, अब इनका पति नहीं है तो अब कुछ नहीं है हमारा। मेरा बच्चा भी छीन लिया इन्होंने सब कुछ, तो बच्चे की जिम्मेदारी हम लेंगे, आप अपना कुछ अपना अलग देखो। भाई शादी हुई है, सबके सामने हुई है, ऐसा थोड़ी है आपको रखना पड़ेगा। शादी वादी क्यों? थोड़ी जिंदगी खराब हो जाएगी भाई। जब तक था हमारा भाई तब तक ही था, शादी के बाद कोई दिक्कत नहीं, अब अपना कहीं अलग देखो, हमने बच्चे की जिम्मेदारी ले ली है। भाई ऐसे कैसे, बच्चा तुमने ले लिया, इसके हस्बैंड चले गए, अभी कहाँ रहेगी अकेले? वो ये खुद देखे, हमें नहीं पता इनका कुछ भी, कहीं भी देखे कहीं भी रहे, हमें इनसे कुछ मतलब नहीं। मेरी तो जिंदगी बर्बाद होगी ना। आप कुछ भी करो, हमारे से आपको कोई मतलब नहीं है, आप अपना कहीं भी कुछ भी देखो। भाई यार ये गलत बात है तुम्हारी, गलत बात, बिल्कुल गलत बात है तुम्हारी, किसी की जिंदगी के साथ खेलना। इसको कुछ हम रख नहीं सकते, बस हमें इनके बच्चे की जिम्मेदारी ले रखी है। इतना वो कर दिया, घर से बाहर निकाल दे रहा है बार बार, जब भी मैं जाती हूँ तभी धक्का देके बाहर ले। भाई अभी घर उसका है, शादी होके गई है, घर उसका है भाई। जब तक इनका पति था, जब इनका पति नहीं है तो इनका घर नहीं है। अच्छा, तो बच्चा भी इसका भाई वापस कर दो। बच्चा इनका नहीं है, वो बच्चा हमारे हमारे हमारी निशानी है वो बच्चा। अच्छा, घर भी घर इसका नहीं है, बच्चा तुम्हारा है? हाँ बच्चा हमारा ही है, बच्चे की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, अपना खुद पाल पोस के कहीं भी रह सकती है ये। अच्छा, खुद को पालेगी तो अपने घर में रहेगी ना भाई, फुटपाथ पे थोड़ी रहेगी। जिसमें इनका पति था तब तक ही था इनका घर वो। अच्छा, ऐसा मत कर, क्यों कर रहा भाई? भाई हमने सही किया, हमारी फैमिली की इज्जत रखा है, इसलिए तो घर से जब हाँ, हमने कहीं अलग ही। देख भाई अब बहुत हो गया यार, देख ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी, ऐसा ही होगा, क्यों होगा और क्या थोड़ी है, बच्चे आप फेस कर दो, हमारे पे कोई दिक्कत नहीं है। जब तक मेरा आदमी था तब तक था, बस जब तक तुम्हारा आदमी था जब तक ही है बस। भाई देखा, मैं तुझे समझा रहा हूँ बहुत प्यार से कि देख इसे घर में रख लेना। क्या मतलब है? तुम मारोगे मेरे को? क्या समझाने का? प्यार भाई, प्यार से समझा रहा हूँ बस। हम प्यार से और तुम्हारी देख लेंगे हम, कितने तुम्हारा प्यार है कितनी तुम्हारी नफरत है। अच्छा, हमारे को नहीं रखना है बस, खाली इनके बच्चे की जिम्मेदारी ले रहे हैं, अपना कहीं अलग ही देखो। घर में रखो,
हम आपको रख ही नहीं सकते, रखना पड़ेगा भाई, दो में से एक काम करना पड़ेगा, हम आपको रख ही नहीं सकते। यही है वो? हाँ भाई, यही है। क्या कर रहे हो भाई? ये सब कौन है? ये भाई है हमारे भाई, यही भी क्या कर रहे हो ये बताओ पहले। हमें इनको इनके साथ रखना है, मतलब नहीं क्यों मेरे को इनको साथ रखना नहीं, अपना क्यों नहीं रखना, नहीं रखना हमारी फैमिली की इज्जत है, इसलिए नहीं रखना। तुम्हारी भाभी है ना भाई, कुछ भाभी थी जब तक भैया थे, अब कुछ नहीं है ये हमारी। क्यों? बस नहीं है, भैया नहीं है तो ये कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं भाई, घर इनका वही है, आपको पता नहीं है? अब बैठ के बात करो पहले, ठीक है? बैठो यहाँ पे। क्या बैठ के बात करो? बैठ के बात करो भाई, ज्यादा स्मार्ट मत बनना। क्यों कर रहा है भाई तू ऐसा? हमें ऐसा ही करना है, हमें बस ऐसे ही रहना है। क्यों करना है? क्यों करना है भाई? हमारी फैमिली की इज्जत है, और हमें कुछ नहीं रखना है। सुन भाई, हमें तुम्हारा भाई है ना? हाँ भाई, शादी हुआ था उनका, पता है ना? क्या इनका बच्चा भी है? हाँ। तो अभी तो घर से बाहर क्यों कर रहा है? तो इनके बच्चे की जिम्मेदारी हमने उठा ली, हमें इन्हें नहीं रखना। हमारी बच्चा तुम्हारा नहीं है भाई, बच्चा इनका है, ठीक है? तो बच्चा मेरे भाई का भी था, तो बच्चा बच्चे की जिम्मेदारी हमने ली, अपना कहीं भी रह सकती भाई है। तुम्हारा भाई नहीं कैसे है, अभी मैं तुम्हारी भाभी है, कैसे रहूंगी? तो बच्चा तो है ना मेरा उस घर में, इनका घर वही है, ठीक है? माई के घर नहीं होता है, ससुराल में ही घर होता है, तो इनका घर वहीं पर रखना चाहिए। भाई ऐसा क्यों कर रहा है अभी? हमें नहीं रखना है भाई, रखना पड़ेगा यार, रखना पड़ेगा। भाई के घर में रहेंगे ये बता, ये इनके घर में रहेंगे, अपना देखेंगे, हमें इनको रखना ही नहीं। हमारी फैमिली की इज्जत है ना उसमें, इज्जत है तो इज्जत है, तो इज्जत की तरह रखना भाई। समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे? हमें रखना ही नहीं, समझा रहे ना तुम्हें? तो क्या कर लेगा भाई तू? बहुत कुछ, बहुत कुछ कर सकता है, क्या कर लेगा? बहुत कुछ क्या कर सकता है, सोच भी नहीं सकता है, समझा? मैंने सोच लिया क्या कर सकता है, क्या क्या कर सकते हैं बता, तू क्या कर सकता है, तू बता। तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, क्या कर सकता है तू? इनको ले जा घर पे रख, हमें कुछ करना नहीं है, हमें रहे, और तुम्हें यही करना है कि ले जाके घर पे रखना, हमें रखना ही नहीं है, हमें हमें रखना ही नहीं है। इनका आधा हिस्सा है ना घर में, किसने कहा आधा हिस्सा है? मैं बोल रहा हूँ ना भाई, तुम कौन हो? तुम कौन हो? मैं भाई हूँ इनका, ठीक है? तो तुम्हारे कहने से इनका आधा हिस्सा हो जाएगा? क्यों नहीं है? तुम जब तक भाई हो तब तक ही थी, जब भाई नहीं है तो ये कुछ नहीं है, तब भी कुछ है। तो तुम्हारी भाभी है, ठीक है? मेरा बच्चा क्यों? और इनका बच्चा इनके साथ रहना चाहिए, तो तुम क्यों रखे हो उनको? हमें रखना ही नहीं है इनको। अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, तुम क्या पूछ रहे हो? बच्चा इनका दो, हमें नहीं देना, हमें नहीं देना इनका बच्चा। और जो भी, सुन भाई, जो भी चीज है ना तुम्हारे घर में, सब चीज में आधा हक है इनका और आधा तेरा है। तू अपना अपने में रह और इनको अपने में रहना। हम इनको रहने ही नहीं, ज्यादा परेशान मत कर, हम इनके बच्चे की जिम्मेदारी हम पूरी निभाएंगे, इनको नहीं रहने देंगे हम घर में। तू कौन होता है पूरी करने वाला? हमारा बच्चा, ये खुद सोचेंगे उनके बारे में। देना फिर वापस, तो इनके बच्चे को भी हम इनको दे देंगे, अपना कहीं और रह लेंगे। क्यों कहीं और रह लेंगे? उसी घर में रहेंगे? कहीं नहीं, हमारे घर में बिल्कुल नहीं रह सकती। तेरे ही घर में रहेंगी? हमारे घर में बिल्कुल ही नहीं रह सकती, तेरे घर में रहेंगी। प्यार से समझ ले, नहीं तो यहीं पे बांध के देगी, पेड़ पे टांगे मारेंगे तुम्हें। देख भाई, प्यार से समझ ले, इनका घर में हक है तुम्हारे, इनको ले जा और घर पे रख, जैसे बच्चे को रख रहा है ना वैसे इनको भी रख। देख भाई, प्यार से मैं नहीं समझ रहा, मेरे को रखना नहीं है इनको। बाहर खा के समझेगा? बैठ, हाथ दूध क्यों हिला रहा है भाई? मुझे नहीं रहने के साथ, हाथ क्यों लगा रहता? होता कौन है तू? मैं बहुत कुछ होता हूँ, ठीक है? तो कौन है? समझाया ना, हम मेरे को नहीं समझ। बैठ जा, चौड़ा मत हो, ठीक है? तू जानता नहीं मुझे, क्या लड़के लेके करेगा? दिया क्या बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो करके देखा ना, कर सकता है क्या? करेगा इनसे ही मार खिलाऊंगा अभी तुम्हें, ठीक है? समझ में नहीं आ रहा है? मुझे इनको लेके ही नहीं जाना, हमें लेके ही नहीं जाना इन्हें। समझ जा, प्यार के बात समझा नहीं समझ रहा तू? क्या समझना पड़ेगा तुझे? समझना पड़ेगा तुझे? को मारो यार, समझने वाला नहीं है तू। तू क्या मारेगा मेरे को? मार के शक्ल खराब कर दूंगा। अबे जा, क्या शक्ल खराब करेगा? समझ में नहीं आ रहा है? कौन है तू? भाई उसका, सुन भाई, प्यार से समझ ले। मैं नहीं समझ रहा, ठीक है? ले चलेंगे थाने में, उठाएगा तुम्हें, ठीक है? किस जेल में सड़ेगा? क्या है के लिए सबूत? क्या है तेरे पास सबूत? क्या सबूत है? ये है ना, ये देख सबूत है तुम्हारे सामने, क्योंकि तू घर से बाहर निकल दिया है इनका बच्चा। तो इनके बच्चे की जिम्मेदारी हमने ली, हमें इनको नहीं रखना। क्या जिम्मेदारी? जिम्मेदारी कब से रखे जा रहा है बे? क्या जिम्मेदारी रखना ही नहीं है हमें इनको? नहीं है तो वो अपने घर में रहेंगे ना, माइके जाके थोड़े रहेंगे। समझ में नहीं आ रहे तुम्हें? मेरे को इनको रखना ही नहीं है। तू कौन होता है रखने वाला पहले ये बता। हमारी फैमिली की बहुत इज्जत है, हमें इनको रखना ही नहीं है। तो इन्हें रखने से इज्जत कौन सी कम हो रही है? तू रखेगी तो और इज्जत रहेगा तुम्हारे घर। हमारी कुछ इज्जत घर से बाहर करेगा तभी तुम्हारा इज्जत डाउन होगा, ठीक है? हमें इनको रखना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं रखना हमारे को। समझ में नहीं आ रहा है? क्या हुए? शांति से बोलना, समझ में नहीं आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है? क्या करना, बोलना तो है? क्या क्यों ऐसा कर रहा है? मेरे को इनको नहीं ले जाना, ऐसे बोल रहा है, खड़ा हो जा। क्या करेगा तू? बहुत स्मार्टनेस दिखा रहा है, क्या करेगा? क्या हम मेरे को इनको लेके लेने क्यों नहीं लेके लेके जाएगा? प्यार से बचा, समझ में नहीं? हमें ले जा, क्यों लेके जाऊं भैया? ले जाओ इनको घर पे, ठीक है? लेके जाएगा, ले जाएगा तुम्हारा तो लेके जा, लेके जा प्यार से, ठीक है? ठीक है ना, प्यार समझा रहे हैं घर वाले सारे लेकर जाएंगे इनको, ठीक है? समझ में आ रहा है? क्यों लेकर जाएंगे? क्योंकि देख वहां सामने देख,
दिखाई दे रहा है ये कैमरा बंद करवा पहले क्या कैमरा बंद कैमरा कैमरा लगा हुआ है और सारा हम लोग रिकॉर्ड किया कैमरा बंद कर पहले और इसे हम यूट्यूब पे डालेंगे तेरा सच्चाई बाहर आएगा ना ज्यादा स्मार्ट मत बन बोले ना प्यार के बजाय समझ ले लेकर जाए इनको कैमरा बंद करवा पहले मैं ले जाऊंगा इसे क्यों कैमरा बंद करवाए हाथ नीचे कर ओए कैमरा चालू रखना बंद मत करना ठीक है और तू इनको लेकर जा इज्जत के सम्मान के साथ ठीक है इनका घर है वो इनका अधिकार है वहाँ रहने का ठीक है ये पहले कैमरा बंद करवा हाँ मैं इनको ले जाऊंगा ठीक है इनका कैमरा तू लेकर जा ठीक है और अगर नहीं लेकर जाएगा हमारे सामने लेके जा हमारे सामने लेके जा और आप साथ में जाइए इनको घर तक लेकर छोड़िए ठीक है ठीक है और बच्चा जाते जाते ही इनको हवाले कर कैमरा बंद करवाओ पहले तू जा और लेके जाएंगे और सुन ले आगे कुछ हो गया ना इसका इस्तेमाल नहीं करा इस बार ठीक है ना अगली बार बहुत अगली बार कुछ होना नहीं चाहिए ऐसा ठीक है जा प्यार से लेके जा